अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और तंदरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जो नए लिसनर्स हैं, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी किया करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो आप लोग की सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह से चैनल जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी जो है बढ़ गए हैं। तो आगे भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारी सपोर्ट जारी रखें। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह से बहुत ख़ास वीडियो है, तो आज की वीडियो भी आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है। तो थोड़ा बहुत मौसम के बारे में आपको बता देते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बाहर आई हूँ, अभी अभी बाहर रूम से निकले हैं, सुबह से अंदर बैठते हैं तो शाम को ही निकलते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो तकरीबन पूरे 5 से थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा। तो मिस्त्री जो है वो चले गए हैं और मजदूर भी, तो अभी हम बाहर निकले हैं तो अभी व्लॉग सोचा बना लें, क्योंकि आप सुबह को तो नहीं बना सकते, क्योंकि सुबह सुबह हम जैसे ही नाश्ता बनाकर जो है ना नाश्ते के बाद फ़ौरन अपना काम जो है कर रहे होते हैं तो मिस्त्री आ जाते हैं, इसीलिए सुबह व्लॉग नहीं बना सकते। तो अभी जो है ना मौसम काफ़ी आज गर्म था, कल माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चली हुई थी, तो आज तो सारा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और दोपहर का मिस्त्री और मज़दूर का खाना बनाना तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। तो कुछ मेरे बहन भाई ने बोला है कि आप ना किचन के ऊपर जो है ढप्पर वगैरह बना ले, तो वो भी देख लेंगे। फ़िलहाल तो अभी गर्मी जो है ख़त्म हो गई हैं, अगली गर्मी तक इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे। तो मौसम आज काफ़ी गर्म है और धूप जो है वो आप देख सकते हैं, अभी तो बस शाम होने वाली है। अभी चलते हैं आप लोग से जो आज की वीडियो है वो शेयर करते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी पूरी फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस खुशी की वजह जो है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। घर चलकर अबू भी होंगे, अम्मी भी, फरहान भी होगा, सब होंगे, तो शाम के काम भी फिर जल्दी से करना है, तो चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मी जो हैं ये देखें, बर्तन जो है सालन का जो सामान है वो सारे निकाल लिए हैं। तो अभी आज हम बना रहे हैं कद्दू, तो मैं जल्दी से जो है वीडियो बना लेते थे, उसके बाद अम्मी की भी हेल्प साथ करवाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी आप लोगों से शेयर करना था। तो ये देखें ये लकड़ियाँ जो हैं ये हमने ताल से जो है मंगवाई हैं, तो अबू जो हैं ये लेकर आए थे 2 दिन पहले। तो मदद चाहते हैं, पहले आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि और वीडियो बनाते रहे, व्लॉग बनाते रहे हैं, तो ये जो है ना आप लोगों को नहीं दिखा सकते, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत थी, वरना अगर हम ये काम ना करवाते तो शायद जो है ये हम लकड़ी ना लेते, ये लकड़ियाँ जो हैं, तो ये जो है ना हम फिर ऐसे जैसे तैसे गुजारा कर लेते, लेकिन काम करवाना है, फिर उनके लिए 5-6 बार चाय बनानी होती है और उनके लिए खाना वगैरह, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होती थी हमें। तो ये टाल से जो है हमने लकड़ियाँ मंगवाई हैं, तो आप देख सकते हैं, और ये टहनियाँ और ये गटर, ये भी सामान जो है ले आए हैं अबू ऐसी, तो ये तो कब से आ चुकी थी ये रेत, और ये डोर आपको दिखाते हैं, तो ये सामान जो है ये अबू कल लेकर आए हैं, कल शाम तक पहुँचे हैं, तो ये आपको दिखाते हैं। ये जो दो डोर हैं ये लगेंगे जो हम बनवाएंगे अपने वाशरूम उनके लिए, और ये डोर जो है ये लगेगा जो हमारा जानवर का भाड़ है उधर उस साइड पर लगेगा। तो हमारा मेन डोर जो हमारा ख्वाब था कि ये हमारा गला जो है ये बंद हो जाए और यहाँ पर हमारा एक मेन डोर लग जाए, तो ये जो है बड़े अरसे से हम सोच रहे थे, तो वो आज पूरा हो चुका है माशाल्लाह से। तो इस खुशी की वजह भी यही है, तो आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज जो जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो हमें हमारा घर जो है थोड़ा अजीब लग रहा था, तो अम्मी ने कहा कुछ दिनों में ही आदत जो है बन जाएगी, अजीब तो लगता है ना। तो ये सारी दीवार जो है ये माशाल्लाह से आज बन गई है और मेन डोर भी लग गया है। तो अभी अबू जो हैं वो भी थक गए हैं मिस्त्री के साथ, वो भी काम करते रहे, उनको पानी देना हो और कोई काम वगैरह करना हो, तो वो भी काफ़ी थक गए हैं, तो घास भी उन्होंने काटा है ये आप देख सकते हैं। तो अभी अबू भी आ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी जो है मुलाकात करवाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, फरहान भी बहुत खुश है। अभी ये डोर जो है ना इसको खोला नहीं है, मैं आपको करीब से जाके दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा मसला जो था वो हल हो गया है, और व्यूअर्स आज कुछ अजीब भी लग रहा है क्योंकि
ये दीवार पहले तो नहीं होती थी, 10-12 साल तकरीबन हो गया है, तो हमें इसकी इस तरफ से तो बिल्कुल बाहर के नज़ारे हमें देखा करते थे, तो बहुत बड़ा हमारा ये यहाँ से खला था, तो उसको आज ईंटों से और दीवार पक्की बन गई है, तो बहुत खुश भी हैं और मेन डोर भी लग गया, दरवाज़ा भी बाहर निकलने के लिए लगाया है। फरहान तुम भी सलाम करो, और ये देखे खजूर खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं फरहान अख्तर, आप देख रहे हैं हैप्पी वीडियो लाइक हमारे सपोर्ट करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, तो ये है वो मेन डोर जो जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं अभी जो है ना इसको खोलना नहीं है, क्योंकि ये नीचे जो है ना ऊपर भी अभी गीला है जो उन्होंने बनाया है तो कंक्रीट से, तो इसको कल या परसों खोलेंगे, तो इंशाल्लाह आप इससे बाहर जाया करेंगी और आया करेंगी तो ये आपका दरवाज़ा लग गया है, तो अल्लाह ताला का करम है माशाल्लाह से ये मेन डोर भी लग गया है, तो अब फिलहाल हमारा काम जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो ये दीवार भी अब बन गई है। तकरीबन कल का दिन और परसों का दिन हमारे ईंटें भी जो हमने खरीदी हुई थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और हमारा काम भी तकरीबन ईंटों का और तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी छत वगैरह और जो सीमेंट का काम है वो तकरीबन 5-4 दिन और भी लगेंगे, और इंशाल्लाह अगर छतों का काम होगा तो उसके बाद फिर वो होगा। हाँ, फिर उसकी छतें वगैरह बनाएंगे, तो छतें जब छतों की लिपाई हो जाएगी तो फिर इसको सीमेंट वगैरह का काम शुरू करेंगे, तो वो भी 4-5-6-7 दिन लग जाएंगे, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो माशाल्लाह से आज बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई है, और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है और आज हम इस काबिल हुए हैं, तो ये दरवाज़ा जो है ये लग चुका है बाहर आने जाने के लिए, और ये दीवार भी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। थोड़ा सा देखें अभी भी बाहर का व्यू आप दिखा रही है, यहाँ से थोड़ा सा अभी बचा है लेकिन ये बंद कर देंगे हम, तो ये तो इतना प्रॉब्लम। हाँ, मिट्टी भी इसमें अभी डालनी है, ट्रैक्टर ट्राली से तकरीबन 8-10 ट्रालियाँ मिट्टी की आएंगी, तो वो भी अंदर डालेंगे, इस जगह को ज़रा ऊँचा करना है क्योंकि बारिश का पानी बाहर चला जाए, तो थोड़ा सा इस दरवाजे के नीचे से वो रखेंगे थोड़ा सा पाइप, हाँ पाइप वगैरह सीमेंट का, और ये नलके का फर्श जो लगेगा, हाँ ये कल नलके का फर्श बन जाएगा, और यहाँ से भी सीमेंट का पाइप बाहर निकाल देंगे। सही है, हाँ, तो माशाल्लाह से काम जो है अच्छे तरीके से हो रहा है, हम तो अभी देख रहे हैं अबू जो है सारा दिन साथ होते हैं तो काम वगैरह करवाते रहते हैं, अच्छे तरीके से हो रहा है माशाल्लाह से। हाँ इंशाल्लाह कल का दिन हमारा बहुत काम का है, और फिर परसों फिर हमारी ईंटें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी जो ईंटें हमने मंगवाई थी, हमारा फिर छत का और फिर सीमेंट का काम बच जाएगा जी, और इंशाल्लाह काम अब हमारा ख़त्म हो गया, आज 5 दिन हमारे हो गए हैं जी, तो 2-7 और 13-14 दिन लगेंगे हमारा काम कंप्लीट। तो माशाल्लाह से मिस्त्री जो है उसने भी खुश कर दिया है, इतनी जल्दी जो है काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी जो है ना आज का व्लॉग जो हमने आज आप लोगों से शेयर किया, तो ये आप लोगों से शेयर करना, आप लोगों ने हमें कहा हुआ था कि आपका घर जैसे जैसे बन रहा है तो हमसे वीडियो जो है ना रोज़ उसकी शेयर करते रहें, तो आज ये आप लोगों से शेयर किया, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी, तो आगे भी आप लोगों से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर दिखाएंगे, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं बछड़ी कब की नहीं दिखाई, कुछ मेरे बहन भाई बोल रहे थे उसको जो ना करीब से दिखाया करें, तो वो आप लोग को दिखाते हैं। कल मिस्त्री भी काम करता हुआ दिखाएंगे आपको जो काम करते हैं जी, वो मेरे कुछ भी वो भी बोल रहे थे, तो इंशाल्लाह कल आप लोग को जरूर दिखाएंगे, मिस्त्री को भी दिखाएंगे और मजदूर जो काम कर रहा है उसको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, तो काम थोड़ा सा उनका काम भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह से बछड़ी, आप लोग कह रहे थे कि इसको भी दिखाया करें, तो ये भी अब अपनी जो है ना माँ के साथ बिल्कुल इसको हमने बांध दिया, घास खा रही है, ये देखें बड़ा बड़ा घास खाने लग गई है अब ये भी, क्योंकि जगह फिर नहीं थी उधर, हमने गारा बनाया ना इसलिए इधर से ना इसको जगह ख़त्म करके फिर जहाँ पर ना इसको बांधा है हमने, तो इनको भी घास डाला है अभी अभी माशाल्लाह से, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई अब, तो गए भी घास खा रही है, और ये देखें ये काम जो है ये तो कल हमने जो है ना आप लोग को शेयर किया था, तो आज भी बस ये काम हुआ है माशाल्लाह से, आज भी काफ़ी काम हो गया है, दिन तो वैसे भी छोटे हैं फिर भी काम जो है माशाल्लाह से काफ़ी कर लेते हैं मिस्त्री और मजदूर जो है मिलकर, तो आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, और आज जो आप लोगों से ब्लॉग शेयर किया तो उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह आगे बच्चे से ब्लॉग बनाते रहेंगे, अपनी वीडियो के आखिर में भी मैं अपनी तमाम बहन भाई के लिए हमेशा ही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वल्लम बिजन के ता फरमाए, और आप सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए, तो इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।